कल जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था वो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में जोड़ने के लिए हमें कौन से या कौन सी बातें ध्यान में रखना। अब ये जोड़ते समय हमें सबसे पहली और आखिरी एक ही बात ध्यान में रखना है कि जब भी हम किसी वर्ब का प्रयोग करेंगे तो हमें सबसे पहले ध्यान किस चीज पर देना है, सब्जेक्ट पर, उसी के अनुसार आपको वर्ब लगाना है। इसके कुछ नियम हमने अपने पिछले लेक्चर में देखे थे, उसी के आगे से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका जो 9th रूल है वो ये है कि यदि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों सिंगुलर हैं और एंड जैसे किसी कनेक्टर से कनेक्ट किए हुए हैं, वो कनेक्टर एंड हो सकता है, ऑन हो सकता है, नाइदर या आइदर हो सकता है, ऐसे किसी भी कनेक्टर से कनेक्ट किए हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, भले ही यहाँ पर लोगों की संख्या एक से ज्यादा है। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था, राघव एंड चारू इज टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, मतलब एक्सीडेंट के लिए ये दो लोग जिम्मेदार हैं, राघव और चारू। यहाँ इसकी जगह तीन नाम भी होते, जैसे राघव, चारू एंड सुनीता। अब यहाँ क्या हुआ है, अभी तक जब हम दो नाम जोड़ रहे थे तो एंड लगाकर जोड़ रहे थे, इसलिए सिंगुलर वर्ब लगा रहे थे, लेकिन यदि दो से ज्यादा नाम है हमें कॉमा लगाकर उसे जोड़ना पड़ रहा है, तब क्या आ जाएगा, हम इसे प्लूरल वर्ब की तरह यूज करेंगे। जब दो है तब आप चॉइस बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर राघव एंड चारू है, आप राघव और चारू भी हो सकता है कि दोनों में से कोई एक जिम्मेदार है, या तो राघव जिम्मेदार है या चारू जिम्मेदार है, आइदर राघव और चारू, या दूसरी कंडीशन कि दोनों में से कोई भी जिम्मेदार नहीं है, नाइदर राघव नॉर चारू। तो किसी भी स्थिति में हम बात किसकी कर रहे हैं, एक ही की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हमने कौन सी वर्ब लगाई, सिंगुलर। लेकिन अगर दो से ज्यादा लोग होते तो हम आइदर और या नाइदर नॉर का यूज नहीं करते, तब हमें क्या लगाना होता, प्लूरल वर्ब लगाना होता। जैसे राघव, चारू एंड सुनीता आर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट। दोनों में डिफरेंस क्लियर हुआ यहाँ पर? उसके बाद नेक्स्ट रूल है, द ओनली टाइम व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन इज ऑफ प्लूरल और सिंगुलर वर्ब फॉर्म्स इज व्हेन नाउन एंड प्रोनाउन सब्जेक्ट्स लाइक सम, हाफ, नन आर फॉलोड बाय प्रिपोजिशनल फ्रेज। प्रिपोजिशनल फ्रेज मतलब क्या, मैंने बताया था फ्रेज क्या होता है, वर्ड्स का ऐसा ग्रुप या सेंटेंस का वो टुकड़ा जिसका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता, अर्थ होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं होता। उसका पूरा अर्थ तभी दिया जा सकता है जब उसका उपयोग किसी सेंटेंस में किया जा रहा है। तो प्रिपोजिशनल फ्रेज कौन सा होता है, जिसमें जो प्रिपोजिशन से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे मैं ये कहूं, माई पेन इज इन माई बैग। अब यहाँ प्रिपोजिशनल फ्रेज कौन सा है, जहां प्रिपोजिशन आ रहा है, तो प्रिपोजिशन क्या है इस सेंटेंस में, इन, तो सेंटेंस का इन माई बैग वाला जो हिस्सा है वो क्या हो जाएगा, प्रिपोजिशनल फ्रेज हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के प्रिपोजिशनल फ्रेज वाले सेंटेंस आते हैं, द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन डिटरमाइंस द फॉर्म ऑफ वर्ब। अब प्रिपोजिशन में जो ऑब्जेक्ट है, प्रिपोजिशन के साथ जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, वो ये तय करता है कि जो वर्ब है वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी। कब, जब हम कौन से शब्द यूज करते हैं, सम, हाफ, ऑल,
मोर, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। अब यहां पर सब्जेक्ट क्या है? सम। प्रिपोजिशनल फ्रेज क्या है? ऑफ द स्टूडेंट्स। ऑफ आ रहा है, ऑफ क्या है? प्रिपोजिशन। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास। हमने सब्जेक्ट को ना देखते हुए देखा कैसे, हमारे ऑब्जेक्ट को जो प्रिपोजिशनल फ्रेज में था और उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब का यूज किया। क्लियर हुआ? ये वाला रूल क्लियर हुआ? बेटा अगर कुछ पूछना हो या बोलना हो तो बोल सकते हो बीच में। हाँ, प्रिपोजिशनल फ्रेज यानी ऐसा सेंटेंस का वो टुकड़ा जहां पर प्रिपोजिशन आता है। अब प्रिपोजिशन क्या होता है? स्थानीय स्थिति बताने वाले शब्द जैसे कि ऑफ, एट, इन, अंडर, ओवर, ये सब होते हैं प्रिपोजिशन। तो भी ऐसे सेंटेंस हैं जो ऑल, सम, हाफ, नन से शुरू होते हैं। यानी कहीं किसी सेंटेंस में हम कहते हैं कि सारे बच्चों ने ऐसा किया, किसी में कहते हैं कुछ ने किया, किसी में कहते हैं आधे बच्चों ने ऐसा करा, और किसी में कहते हैं किसी ने नहीं किया। सम मतलब कुछ, हाफ मतलब आधे, नन मतलब कोई भी नहीं, मोर मतलब ज्यादा, और ऑल मतलब सारे। तो जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो यहाँ साथ में क्या आता है? एक प्रिपोजिशनल फ्रेज जो सब्जेक्ट के तौर पर काम करता है। सब्जेक्ट कोई एक शब्द नहीं होता, पूरा का पूरा वो टुकड़ा होता है। जैसे हाफ ऑफ द स्टूडेंट, अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ये पूरा फ्रेज, हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स। काम कौन कर रहा है? आधे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। तो हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट अटेंडिंग द क्लास, या नन ऑफ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द क्लास। अब यहाँ पर जो पीछे हमने वर्ब लगाई है आर, वो किसे देखते हुए लगाई है? इस प्रिपोजिशनल फ्रेज में जो ऑब्जेक्ट की स्थिति है उसे देखते हुए। तो क्लियर हुआ रजनी? यस मैम। नेक्स्ट टूल पे चले। यस मैम। द सिंगुलर वर्ब फॉर्म इज यूजुअली बेस्ड फॉर यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट और टाइम। अगर सिंगुलर वर्ब का फॉर्म यूज किया जा रहा है तो वो किस लिए यूज किया जाता है? यूनिट के लिए। क्या चीज की यूनिट? इकाई। टाइम की, मेजरमेंट के लिए। जैसे 4 liters of oil was required to travel by car. 4 liters of oil। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑयल काउंटेबल नहीं होता है। हम इसे सिंगुलर या प्लूरल नहीं कह सकते। आप ऑयल को नाप सकते हैं, काउंट नहीं करते।
आप कभी ऐसा नहीं कहते कि एक है या एक से ज्यादा है। कह सकते हैं हम उसकी क्वांटिटी यानी मात्रा बता सकते हैं, उसकी गिनती नहीं की जा सकती। तो जब भी हम ऐसी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो वो कहाँ यूज करते हैं? जब हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, जहां हम कोई चीज की मात्रा बता रहे हैं, वो मात्रा भी हो सकती है या टाइम भी हो सकता है। यदि आप टाइम में उसे नाप रहे हैं तो भी आप क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। यदि आप उसकी क्वांटिटी बता रहे हैं तो भी प्लूरल वर्ब लगाए सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाएंगे आप। क्लियर हुआ ये रूल? यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ क्या हुआ बेटा, डाउट है कुछ? नेक्स्ट रूल पे आते हैं हम। इफ द सब्जेक्ट्स आर बोथ प्लूरल एंड आर कनेक्टेड बाय द वर्ड्स और नॉर नाइदर और एंड नॉट ओनली बट आल्सो। अगर दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, मतलब दोनों, हम एक से ज्यादा सब्जेक्ट तो ले ही रहे हैं, साथ ही उनकी संख्या भी एक से ज्यादा है, जैसे बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज ये भी प्लूरल है, गर्ल्स भी प्लूरल है। यानी जब हमारे दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं और हम उन्हें कनेक्ट कैसे कर रहे हैं और नॉर नाइदर आइदर जैसे शब्दों से, तब क्या होगा? वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्यों? क्योंकि वैसे एक से ज्यादा सब्जेक्ट, लेकिन अगर सिंगल सिंगल होते, अगर मैं ये कहती वन बॉय एंड वन गर्ल तो क्या होता? इज सिटिंग इन द क्लास। पर मैं दोनों, दो तो है ही, सब्जेक्ट दो प्रकार के हैं हमारे पास और वो दोनों भी प्लूरल में है, बॉयज एंड गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। इसी की जगह अगर मैं ये कहूं कि ना तो लड़के बैठे हैं ना लड़कियां बैठी, तो क्या हो जाएगा? नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। नाइदर बॉयज नॉर गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। अब इसकी जगह आइदर लगाती तो मतलब या तो लड़के बैठे हैं या लड़कियां बैठी हैं, तो किस तरह बनता सेंटेंस? आइदर बॉयज और गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। रूल क्या था हमारा कि जब हमारे दोनों सब्जेक्ट प्लूरल हैं, हम उन्हें आइदर और नाइदर नॉर बट आल्सो जैसे शब्दों से कनेक्ट कर रहे हैं, तो हमारी वर्ब क्या होगी? प्लूरल होगी। नेक्स्ट रूल, इफ वन सब्जेक्ट इज सिंगुलर एंड वन प्लूरल एंड द वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय neither nor either or and not only, you use the verb form of the subject that is nearest the verb। अब इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर हमारा एक सब्जेक्ट सिंगुलर है और एक प्लूरल है तो हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे? हमारे वर्ब के पास में जो भी सब्जेक्ट है, यानी जिस सब्जेक्ट के साथ वर्ब लग रही है, उस सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा। जैसे अगर मैं ये कहूँ बॉयज एंड अ गर्ल, बॉयज एंड अ गर्ल मतलब लड़के और एक लड़की क्लास में बैठे हैं, तो वर्ब के पास में कौन सा सब्जेक्ट आ रहा है? गर्ल। बाद में गर्ल आ रही है, गर्ल।
तो वर्ब के नियरेस्ट कौन हुई? गर्ल। तो हम उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्ब यूज करेंगे। बॉयज एंड अ गर्ल इज सिटिंग इन द क्लास। इसके पहले क्या था? दोनों प्लूरल थे, बॉयज एंड गर्ल्स। यहां पर दोनों में से एक सिंगुलर है। इसी का यदि मैं अपोजिट कर दूं कि वन बॉय एंड टू गर्ल्स, वन बॉय एंड टू गर्ल्स, एक लड़का और दो लड़कियां, अब क्या होगा? यहां पर कौन सी वर्ब आ जाएगी? वर्ब के पास में क्या है? टू गर्ल्स, मतलब प्लूरल। तो वर्ब कौन सी है? प्लूरल। वन बॉय एंड टू गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। यही स्थिति आइदर और या नाइदर नॉर के साथ भी रहेगी। आइदर वन बॉय और टू गर्ल्स आर सिटिंग इन द क्लास। इसका अपोजिट करें, आइदर टू बॉयज एंड अ गर्ल इज सिटिंग इन द क्लास। यानी जब हमारा एक सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक प्लूरल है, तो हम वर्ब कौन सी लगाएंगे? जो वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को देखते हुए, उसकी संख्या को देखते हुए, कि वर्ब के साथ जो सब्जेक्ट हम लिखने वाले हैं वो सिंगुलर है या प्लूरल है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रूल। इनडेफिनेट प्रोनाउंस टिपिकली टेक सिंगुलर वर्ब्स। इनडेफिनेट प्रोनाउंस मतलब अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जब हम ही शी बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हम लड़के के बारे में बात कर रहे हैं या लड़की के लिए। आई वी यू दे यूज करते हैं तो हमें ये पता होता है कि मेरे बारे में बात हो रही है, तुम्हारे बारे में हो रही है या हमारे बारे में हो रही है। लेकिन कुछ प्रोनाउन ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई भी बात स्पष्ट नहीं करते, जैसे एवरीबडी, एनीबडी, समबडी, नोबडी। एवरीबडी मतलब जब सब के बारे में बात की जा रही है, एनीबडी मतलब सम मतलब कुछ लोग, और नोबडी मतलब कोई भी नहीं। ये क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउंस। और ऐसे इनडेफिनेट प्रोनाउंस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है। भले एवरीबडी और समबडी ऐसे शब्द हैं जो एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाई जाएगी। जैसे एवरीबडी वॉन्ट्स टू स्टडी, हर कोई पढ़ना चाहता है। Somebody wants to play, कुछ लोग खेलना चाहते हैं। Nobody wants to speak, बोलना कोई नहीं चाहता। Somebody मतलब जब हम पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यूज करते हैं कि कुछ लोग करना चाहते हैं, जब करने वालों की संख्या को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं। एनीबडी हम यूज करते हैं नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। क्या कोई है जो करना चाहता है? इज देयर एनीबडी? नोबडी जहां पर कोई भी नहीं होता वहां पर यूज होता है। तो जब भी हम इस तरह के इनडेफिनेट प्रोनाउंस यूज करते हैं तो हमेशा सिंगुलर नाउन लगाई, सिंगुलर वर्ब लगाई जाती है इनके साथ। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं एक्सेप्ट फॉर द फ्यू प्रोनाउंस। कुछ प्रोनाउंस को छोड़कर। अब ये कुछ प्रोनाउंस कौन सी होती हैं? फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल या सम।
कुछ प्रोनाउंस को छोड़कर मैक्सिमम प्रोनाउंस में हम क्या लगाते हैं? प्लूरल फॉर्म। ये कुछ प्रोनाउंस कौन सी देखे हमने? फ्यू, मेनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम। इन प्रोनाउंस के साथ हम क्या लगाएंगे? एक्सेप्ट फॉर द प्रोनाउंस, मतलब इन प्रोनाउंस में हम क्या लगाएंगे? प्लूरल फॉर्म। जैसे ओनली फ्यू स्टूडेंट्स वर लेफ्ट व्हेन आई वाज टीचिंग। फ्यू के साथ क्या लगाया हमने? वर, मतलब प्लूरल फॉर्म। फ्यू वर लेफ्ट आफ्टर द क्लास। या सेवरल स्टूडेंट्स वर वेटिंग फॉर द क्लास। ऑल द स्टूडेंट्स आर राइटिंग इन देयर नोटबुक। ये सारे कौन से प्रोनाउंस है जिनके साथ हमेशा प्लूरल लगाई जाएगी? ऊपर हमने इनडेफिनेट प्रोनाउन कौन कौन से देखे थे? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, जिनके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते थे। लेकिन ये कुछ ऐसे प्रोनाउंस हैं जिनके साथ हमें हमेशा प्लूरल वर्ब लगानी है। नेक्स्ट रूल आ जाता है, इफ टू इन्फिनिटिव्स आर सेपरेटेड बाय एंड, दे टेक द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इन्फिनिटिव यानी क्या? इन्फिनिटिव मतलब वर्ब का वो फॉर्म जिसे हम टू के साथ यूज करते हैं। टू के साथ कैसे यूज करते हैं? मुझे तैरना अच्छा लगता है, आई लाइक टू स्विम। तुम्हें खेलना अच्छा लगता है, यू लाइक टू प्ले। इनफाइनाइट इनको कहा जाता है जिनके पीछे हमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वर्ब का फॉर्म ऐसा हो कि हमें ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत ना पड़े तो उन्हें इन्फिनिटिव्स कहा जाता है। इन इन्फिनिटिव वर्ब्स को हम डिटेल में और समझेंगे। अभी फिलहाल हमें ये याद रखना है कि जब भी हम इनफाइनाइट्स का यूज करते हैं तो हम वहां पर प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन अगर इन्हें हमने सेपरेट किया है एंड से। जैसे टू वॉक एंड टू च्यू गम रिक्वायर्स ग्रेट स्किल। दो इन्फिनिटिव फॉर्म है लेकिन अगेन इंडिविजुअली हम अलग अलग बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया है? सिंगुलर फॉर्म वर्ब का। रिक्वायर्स, रिक्वायर कहाँ आता है? हमेशा सिंगुलर्स के साथ आता है। उसके बाद नेक्स्ट रूल आ जाता है, when gerunds are used as the subject of a sentence. gerunds मतलब जब हम वर्ब में ing एड करके उसे एक सब्जेक्ट के तौर पर या नाउन के तौर पर यूज करते हैं। जैसे लिखना मेरी हॉबी है, राइटिंग इज माई हॉबी। अब यहाँ राइटिंग कोई एक्शन वर्ड का काम नहीं कर रहा है, मतलब यहाँ काम हो नहीं रहा है। मैं ये बता रही हूं कि वो काम मुझे पसंद है। राइटिंग इज माय हॉबी। क्या किया हमने? वर्ब में आईएनजी लगाकर उसे सब्जेक्ट की तरह यूज किया, और इन फॉर्म्स को हम जिरंड फॉर्म्स कहते हैं, GERUNDS। ऐसी स्थिति में जब भी हम जिरंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तब हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया, राइटिंग इज माय हॉबी।
लेकिन अगर हमने एक से ज्यादा फॉर्म्स का यूज करा लाइक राइटिंग एंड सिंगिंग, मैं ज्यादा हॉबीज बता रही हूँ, तब वहां पर क्या हो जाएगा, फिर से जो हमारा सब्जेक्ट जो वर्ब है वो प्लूरल फॉर्म में आ जाएगी कि राइटिंग एंड सिंगिंग आर माय हॉबीज। खाली राइटिंग कहा था तो राइटिंग इज माय हॉबी, एक से ज्यादा हॉबीज बता रही हूँ तो राइटिंग एंड सिंगिंग आर माय हॉबीज। के बाद नेक्स्ट टूल आ जाता है कलेक्टिव नाउन्स लाइक हर्ड, सीनेट, क्लास, क्राउड। कलेक्टिव नाउन्स हमने डिस्कस किए थे कि जब हम पूरे एक जैसे लोगों के एक ग्रुप को एक नाम दे देते हैं, कौन कौन से थे ऐसे नाउन्स, जैसा मैंने बताया था आर्मी, टीम, क्लास, क्राउड। जब भी हम इन कलेक्टिव नाउन्स का यूज करते हैं तो इन नाउन्स को हालांकि हम एक ग्रुप के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर प्रयोग किसका होता है, सिंगुलर नाउन का। इन्हें एक यूनिट, एक इकाई माना जाता है पूरे ग्रुप को। जैसे भीड़ काबू के बाहर हो रही है, क्राउड इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। क्राउड क्या है, एक ग्रुप को जताने वाली, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली एक यूनिट है, एक ही यूनिट है, तो उसे हम हमेशा सिंगुलर की तरह ही ट्रीट करेंगे। क्लियर, जब भी कलेक्टिव नाउन्स आएंगे तो हम उन्हें सिंगुलर वर्ब ही साथ में देंगे। उसी तरह यदि किसी बुक का, मूवी का टाइटल आता है तब भी उसे सिंगुलर ही ट्रीट किया जाएगा क्योंकि टाइटल एक ही होता है। जब भी हम एक मूवी, एक बुक या टाइटल की बात करें, जैसे द रामायण, द महाभारत, द चाणक्य, तो इनके साथ क्या होगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और लास्ट रूल, हमें शुरू से लेके आखिरी तक के सारे रूल्स ध्यान में रखने के लिए ये याद रखना है कि हमेशा सबसे पहले आपको क्या देखना है, सब्जेक्ट। जैसा आपका सब्जेक्ट होगा वैसा ही आप वर्ब यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने सेंटेंस को ट्रीट करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है आपके सेंटेंस में, सब्जेक्ट। तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है आज का। नोट्स में आप लोगों को सबको सेंड कर ही चुकी हूँ, प्लीज उसके एक्सरसाइजेस सॉल्व कीजिए। ऑब्जेक्टिव्स बनाना शुरू कर दिए हैं आप लोगों ने, ठीक है।